गाइस, अभी हम जस्ट यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं शिमला से और साई रूपा जाएंगे अभी हम यहाँ पे तीर्थन वैली के लिए होटल किंग पैलेस। नारकंडा होते हुए साई रोपा निकलेंगे। कल हमें नारकंडा में स्टे करना था लेकिन काफ़ी लेट हो गया था और काफ़ी थक भी गए थे हम, तो हमने डिसाइड किया कि शिमला में ही रुक जाते हैं क्योंकि तो हिली एरिया काफ़ी टाइम लग जाएगा 7 किलोमीटर कवर करने में और ट्रैफिक भी हो रहा था। नारकंडा 54 किलोमीटर, पुखरी 7 किलोमीटर, रामपुर 120। तो मैं नारकंडा होते हुए जाना अभी। नारकंडा 48 किलोमीटर, कुफरी 0.3। 48 किलोमीटर पहले नारकंडा पहुंचना है। अब यहाँ से राइट जाओगे तो कुफरी के लिए वहाँ पे ऊपर की ओर कुछ घूमने वगैरह के लिए जगह है, बर्फ ज़्यादा होती है, हालांकि भी बर्फ है। लास्ट टाइम यहाँ आया था तो काफ़ी ज़्यादा इन रोडों पे बर्फ था, बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था उस समय। Thank you.
नजारा है भाई, क्या नजारा है, मजा आ गया। मैन क्या मस्त नजारा है। तो अभी हम यहाँ रुक के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। टाइम हो गया वो 11:45 और डिस्टेंस जो अभी तक हमने कवर किया है वो है 440। नज़ारा यहाँ का काफ़ी बहुत काफ़ी अच्छा है, हिली एरिया है, काफ़ी शांति है, यहाँ पे क्राउड नहीं है। नारकंडा ये मार्केट होगा नारकंडा का। कश्मीर वैली लग रहा है, कश्मीर जाने पे इसी तरह का मौसम होता है, इसी तरह का पैर होते हैं, सब कुछ इसी तरह का होता है। क्या
क्या नज़ारे भाई, क्या नज़ारे। क्या नदी का नज़ारा देखते, एक तरफ पहाड़ एक तरफ नदी, कैसे फिर से ऑफ रोडिंग मनाली यहाँ से 98 किलोमीटर, रोहतांग पास 148, बंजर 1, कुल्लू 58, कुल्लू यहाँ से 58 किलोमीटर है और रोहतांग पास 140 प्लस।
अबे नहीं नहीं आई गए यार हैं कोई पास नहीं होगा क्या हां अब आई गए मुझे लग रहा है ढलान खत्म होने के बाद ही है भैया साई लोपा किधर की तरफ है अरे गांव से पर जाना पड़ेगा राइट साइड अच्छा हाँ यही है तो अभी हम पहुंचे हैं फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स साई रूपा यहाँ स्टे करेंगे कल टिल्सन वैली जाएंगे ये लिखा गाड़ी लगा हुआ पता नहीं फोन कर अब तो तेरे में ही नेटवर्क आ गया होंगे देखिए ऐसा क्या